नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी चिंकू पठान के मॉड्यूल का हिस्सा था। अपराधी की पहचान मोहम्मद आरिफ हिंगोरा उर्फ आरिफ चेनू के तौर पर हुई है। आरिफ एनसीबी के 3 मामलों में वांटेड था। एनसीबी उसे चिंकू पठान की गिरफ्तारी के बाद से ढूंढ रही थी, लेकिन निशातिर अपराधी फरार हो गया था। मुंबई में एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े को इनपुट मिला था कि मोहम्मद आरिफ मुंबई के रे रोड इलाके में काम कर रहा है और कुछ समय अंडरग्राउंड होने के बाद उसने फिर से ड्रग सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। आरिफ को पहले पठान से ड्रग्स मिल रहे थे, लेकिन पठान की गिरफ्तारी के बाद सप्लाई चेन को काफी धक्का लगा था, इसलिए आरिफ मुंबई में मेफ्रेड्रोन की सप्लाई के लिए एक अफ्रीकी गिरोह से जुड़ गया था। एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि आरिफ 8 से 10 साल के बच्चों को ड्रग सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब भी कोई कस्टमर उससे कॉन्टैक्ट करता तो आरिफ उसे रे रोड के आसपास किसी जगह पर बुलाता और फिर बच्चों के हाथों ड्रग्स का पैकेट कस्टमर तक पहुंचाता। ये तरीका ड्रग्स प्रवर्तन एजेंसियों को धोखा देने के लिए था, ताकि अगर सप्लाई के दौरान बच्चा पकड़ा भी जाता तो आरिफ आराम से भाग निकलता। क्राइम कभी परफेक्ट हो नहीं सकता, कोई ना कोई सुराग पीछे छूट ही जाता है और अपराधी सीधा जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।